अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली ये सेट होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का, कनेक्टेड टुगेदर इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ और रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। The computers in a network are connected with one another through cable, satellite और telephone lines। कंप्यूटर जो नेटवर्क के अंदर होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ सेटेलाइट से, टेलीफोन लाइन से या केबल से। डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क एज फॉलोज। नेटवर्क के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ टर्मिनल कंप्यूटर। एवरी कंप्यूटर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हर वो कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट होता है इज़ कॉल्ड अ टर्मिनल आर नोड। द यूज़र यूजिंग डिफरेंट टर्मिनल कंप्यूटर कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड सेंड और रिसीव डाटा फ्राम वन टर्मिनल टू अनदर। टर्मिनल कंप्यूटर जो होता है हम इसको क्लाइंट कंप्यूटर भी कहते हैं। अगर हम क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें हम इसको क्लाइंट भी कहते हैं या टर्मिनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो जो यूज़र होते हैं बेसिकली वो डिफरेंट टर्मिनल कंप्यूटर को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, डाटा को सेंड कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। सर्वर कंप्यूटर। अ सर्वर कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ यूज एज अ सेंट्रल कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर को सेंट्रल कंप्यूटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट कंट्रोल द अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर जितने भी और कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। सर्वर कंप्यूटर इज़ मोर पावरफुल दैन टर्मिनल। सर्वर कंप्यूटर बेसिकली पावरफुल होते हैं टर्मिनल कंप्यूटर से, क्योंकि इन्होंने टर्मिनल कंप्यूटर्स को मैनेज करना होता है। इनकी जो कैपेसिटी होती है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, इनकी वो ज़्यादा होती है टर्मिनल कंप्यूटर की। एग्ज़ाम्पल है कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज इन एन ऑफिस। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ऑफिसेज में भी यूज़ होते हैं। डिफरेंट पीपल इन द ऑफिस कैन एक्सेस द कॉमन इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट पीपल जो हैं ऑफिस के अंदर वो कॉमन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ऑल द यूज़र कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। जितने भी कंप्यूटर हैं वो नेटवर्क के थ्रू अगर कनेक्टेड हैं दे कैन शेयर देयर फाइल एंड एक्सचेंज ईमेल। तो वो ईज़ीली फाइल को एक्सचेंज कर सकते हैं, ईमेल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। दे कैन ऑल्सो सेंड फैक्सेज एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट फ्राम एनी अदर कंप्यूटर इन दी नेटवर्क। और वो फैक्सेज और प्रिंट डॉक्यूमेंट जो हैं उनको भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। इंटरनेट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट भी कंप्यूटर नेटवर्क की एग्जाम्पल। इन विच मिलियन ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स। मिलियन ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं टेलीफोन लाइन्स के थ्रू। पीपल यूजिंग दिस नेटवर्क कैन शेयर इंफॉर्मेशन, फाइल एंड टॉक विद वन अनदर। लोग इस नेटवर्क को यूज़ कर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, फाइल्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। के कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट वन इज़ ईजी कम्युनिकेशन। अब ईजी कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकती है कि लोग जो हैं वो ईजीली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हुए। सेकंड वन इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। डाटा और इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है ये स्टोर होती है नेटवर्क के अंदर, ठीक है, और यानी हम इसको सर्वर कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कर देते हैं और इसको शेयर किया जाता है डिफरेंट यूज़र्स के साथ। और इसकी जो गुड एग्जाम्पल है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू लोग क्या कर रहे होते हैं? शेयर कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को। हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग ये जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो शेयर करें कंप्यूटर हार्डवेयर को। अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क के अंदर वो एक्सेस कर सकते हैं सेम प्रिंटर को जो कि नेटवर्क के साथ अटैच है। नेक्स्ट वन इज़ सॉफ्टवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर शेयरिंग बेसिकली अगर इंडिविजुअल लाइसेंस कॉपी जो होती है सॉफ्टवेयर की वो कॉस्टली होती है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो शेयर हो जाता है नेटवर्क के अंदर बहुत सारे यूज़र्स के साथ, जिससे बहुत सारे जो अमाउंट है वो भी सेव हो जाती है। तो यूज़र जो हर यूज़र होता है उसको अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ करता है कि वो यूज़र्स को कि वो इंटरनेट के कनेक्शन को भी शेयर करें। नेक्स्ट वन इज़ डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। नेटवर्क के अंदर नेटवर्क को बेसिकली यूज़ किया जाता है कंपनी के जितना भी क्रिटिकल डाटा होता है उसको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। डाटा जो होता है उसको स्टोर कर दिया जाता है सर्वर के ऊपर जो कि शेयर्ड होता है, सर्वर के ऊपर स्टोर कर दिया जाता है बजाय इसके कि हर कंप्यूटर के ऊपर डाटा को सेव किया जाए। जैसे हमारे पास टर्मिनल्स कंप्यूटर होते हैं, फिर वो सारे जो यूज़र्स हैं वो उस डाटा को इजीली यूज़ करते हैं, उसको इजीली एक्सेस कर देते हैं। और जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कुछ सिक्योरिटी के कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर देता है डाटा के ऊपर। नेक्स्ट वन इज़ एंटरटेनमेंट। यूज़र जो हैं वो गेम्स को एंजॉय करते हैं और अदर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हैं नेटवर्क में रहते हुए। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे जो कि एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेम हैं, मूवीज़ हैं, मल्टीप्लेयर गेम्स जो हैं वो भी प्ले होती हैं इंटरनेट पे या लोकल नेटवर्क पे। नेक्स्ट वन इज़ रिमोट डाटा एक्सेस। जो नेटवर्क होता है वो अलाउ करता है यूज़र्स को कि वो डाटा को रिमोटली एक्सेस करें। यूज़र डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं अगर वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं किसी भी जगह से किसी भी वक्त में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र है, उस वो डाटा को एक्सेस किया और वो यूज़र कराची में है, जबकि जो कंप्यूटर है वो किसी और सिटी में जैसे रावलपिंडी में पड़ा है, तो फिर भी वो यूज़र क्या है नेटवर्क के थ्रू डाटा को एक्सेस करके उसको अपडेट कर सकता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे कंप्यूटर नेटवर्क के? फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सेटअप कॉस्ट। अब नेटवर्क के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हार्डवेयर भी परचेज़ करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर भी परचेज़ करना पड़ेगा, इसकी डिज़ाइनिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह से नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करना है। सेकेंड वन इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कॉस्ट। नेटवर्क को मैनेज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो नेटवर्क मैनेजर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हायर किया जाता है ताकि वो इस चीज़ों को मैनेज करें। अनडिज़ायरेबल शेयरिंग, अब जो नेटवर्क होता है वो अलाउ करता है कि अनडिज़ायरेबल डाटा को भी शेयर किया जाए, इसके थ्रू जो है वो वायरस बहुत ईजीली स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इल्लीगल और अनडिज़ायर्ड बिहेवियर। नेटवर्क को मिसयूज़ भी किया जाता है, कोई इलीगल फ़ाइल डाउनलोड कर ली या कोई अदर मटेरियल जो कि लीगल ना हो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ डाटा सिक्योरिटी कंसर्न। जो पुअरली सिक्योर नेटवर्क होता है उसमें जो डाटा होता है वो हाई रिस्क पे होता है, ठीक है, तो उसमें ये चांस होता है कि डाटा जो है वो एक्सपोज हो सकता है, कोई हैकर या अनऑथराइज पर्सन उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये हैं कंप्यूटर नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। थ्री मेन टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज़ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। First one is LAN, local area network. The local area network is most common type of network. ये बहुत common type है network की। This network is used in relatively small area. इस network को small area के अंदर use किया जाता है। Most LAN are used to connect computer in a single building or group of building. Mostly जो LAN use होता है वो single building या group of building में use होता है। 100 or 1000 of computer may be connected through LAN. 100 या 1000 कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं लैन के अंदर। टिपिकली लैन कैन बी फाउंड इन इंडस्ट्रियल प्लांट, ऑफिस बिल्डिंग, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कैंपसेस। लैन जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस में, कॉलेजेस में यूज़ होते हैं। डाटा ट्रांसमिशन ऑफ लैन आर 1 to 100 मेगाबिट पर सेकेंड। डाटा ट्रांसमिशन जो होती है लैन की वो 1 to 100 मेगाबिट पर सेकेंड होती है। In LAN, each computer called a node हैज़ इट ओन CPU। हर कंप्यूटर जो होता है LAN के अंदर उसका अपना CPU होता है, बट डिफरेंट यूज़र कैन शेयर एक्सपेंसिव डिवाइसेस। लेकिन डिफरेंट जो यूज़र हैं वो एक्सपेंसिव डिवाइसेस जैसे कि हमारे पास लेज़र प्रिंटर वगैरह हो गया या कोई डाटा हो गया, जिन चीज़ों को हम एक्सपेंसिव जिनको बार बार परचेज़ नहीं कर सकते तो यूज़र उनको शेयर कर लेते हैं। यूज़र कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर, यूज़र जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेंड ई मेल सेंड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। देयर आर मैनी टाइप ऑफ लैंस, मैं लैंस की बहुत सारी टाइप हैं। ईथरनेट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर पीसी के लिए जो यूज़ होता है वो ईथरनेट होता है। लैन आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा एट वेरी फास्ट रेट, लैन जो होते हैं वो डाटा को फास्ट रेट पे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इट इज़ मच फास्टर दैन डाटा ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन, इट इज़ मच फास्टर दैन द डाटा ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के जो डाटा ट्रांसमिशन का रेट है उससे ये फास्टर होते हैं। लैन कैन ट्रांसमिट डाटा इन अ लिमिटेड डिस्टेंस, लैन जो होता है ये लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर दैट टू बी अटैच इन द नेटवर्क, और लैन में नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स की भी लिमिट होती है कि इतने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को आप अटैच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अटैच नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल है, इन आर कंप्यूटर लैब देयर आर 40 कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू लैन, लैब के अंदर 40 जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड है आपस में लैन नेटवर्क के थ्रू। द स्टूडेंट कैन शेयर सॉफ्टवेयर फाइल एंड डाटा इन दी लैब, और स्टूडेंट जो हैं फाइल भी शेयर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी, डाटा भी लैब के अंदर। इन इंटरनेट क्लब मैनी कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड थ्रू लैन, दीज कंप्यूटर कैन शेयर सिंगल कनेक्शन ऑफ इंटरनेट क्लब, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर पड़े होते हैं, एक ही सिंगल इंटरनेट कनेक्शन होता है और वो सारे कंप्यूटर जो हैं वो सिंगल कनेक्शन को शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में एग्जांपल है कि हमारे पास एक राउटर है, इस राउटर से डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जैसे लैपटॉप है, मोबाइल्स वगैरह इसके साथ कनेक्टेड, एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन है और बहुत सारी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड हैं। यूजेज ऑफ लैन, लैन के क्या क्या यूजेज हैं। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर बाय ऑल द यूज़र इन अ लैन, एक कॉपी अगर सॉफ्टवेयर की हो तो उसको शेयर कर दिया जाता है बहुत सारे यूजर्स के साथ। सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर कैन बी शेयर बिटवीन सेवरल पीपल इन द नेटवर्क, अब जैसे कि प्रिंटर है तो उसको शेयर कर दिया जाता है बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्क में जो मौजूद होते हैं। इट इज़ ईजी टू मैनेज द डाटा स्टोर ऑन द सेंट्रलाइज कंप्यूटर इन दी नेटवर्क, डाटा को मैनेज करना इजी होता है क्योंकि डाटा जो है वो सेंट्रलाइज कंप्यूटर के ऊपर यानी सर्वर कंप्यूटर के ऊपर पड़ा होता है। द डाटा इज़ मोर सिक्योर फॉर बीइंग कॉपी आर डिस्ट्रॉय, डाटा कैन बी शेयर बाय ऑल द यूज़र यूजिंग दिस नेटवर्क, डाटा जो है वो शेयर होता है सारे यूज़र के साथ इस नेटवर्क को यूज़ करते हुए। तो ये थे कुछ यूजेस ऑफ लैन। Next one is WAN, wide area network. Wide area network is a network which cover a large area. Wide area network एक ऐसा network है जो कि large area को cover कराता है। Normally WAN consist of 2 or more interconnected LANs. Normally जो WAN होता है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा interconnected LANs होते हैं। Computers in a WAN are often कनेक्टेड थ्रू पब्लिक नेटवर्क सच एज द टेलीफोन सिस्टम, जो वैन के अंदर कंप्यूटर होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं पब्लिक नेटवर्क में, पब्लिक नेटवर्क के साथ जिसको हम कहते हैं टेलीफोन सिस्टम। दे कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड थ्रू लीज लाइन आर सेटेलाइट्स, ये सेटेलाइट्स के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं, लीज लाइन के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं। WAN can reach the part of the world that is not possible with LAN. The speed of WAN depend on the speed provided by the company. WAN जो है बेसिकली वो पूरी दुनिया तक पहुँच चुका है तो ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है LAN के साथ। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि LAN जो है वो बहुत स्मॉल एरिया को कवर करता है, हमने लार्ज एरिया को कवर करना है तो उसके लिए फिर WAN की ज़रूरत पड़ी, और वैन की जो स्पीड है बेसिकली वो डिपेंड करती है कंपनी पे कि कंपनी कितनी स्पीड प्रोवाइड कर रही है। ट्रांसमिशन रेट्स आर टिपिकली 56 kbps टू 45 मेगाबिट पर सेकेंड। यानी 56 किलोबिट्स पर सेकेंड टू 45 मेगाबिट पर सेकेंड। द लार्जेस्ट वैन इन एग्जिस्टेंस इन द इंटरनेट, जो लार्जेस्ट वैन है वो बेसिकली इंटरनेट है। इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इट कैन बी ओन्ड बाय मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन, और इसको एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने ओन किया हुआ है। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको रन नहीं कर रही। WAN इज़ नॉट एज फास्ट एज LAN, WAN जो है वो LAN जितना फास्ट नहीं है। मोर एवर लॉन्ग टेबल डिस्टेंस आर नीडेड, देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन डाटा ट्रांसमिशन, क्योंकि इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो जो डाटा ट्रांसमिशन के अंदर एरर के जो चांसेस होते हैं वो इसमें WAN के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल इन एयर टिकटिंग सिस्टम, एयर टिकटिंग सिस्टम जैसे कि PIA है। मैनी ऑफिस कैन ज्वाइन टुगेदर यूजिंग WAN, बहुत सारे ऑफिस हैं वो आपस में किस तरह से ज्वाइन होते हैं WAN नेटवर्क को यूज़ करते हुए। अ पर्सन कैन रजिस्टर अ टिकट, एक पर्सन है उसने टिकट को रजिस्टर कराना है फ्रॉम एनी ऑफिस इन द कंट्री, तो वो कंट्री में किसी भी ऑफिस में जाके रजिस्टर करवा सकता है। A bank with many branches in the country can connect its branches through WAN. बैंक जो है इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं कंट्री के अंदर, तो ये सारी जो है ये आपस में कनेक्टेड होती हैं WAN नेटवर्क के थ्रू। द कस्टमर कैन यूज़ हिज अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच, और कस्टमर जो है वो किसी भी ब्रांच के साथ किसी भी ब्रांच से अकाउंट को यूज़ कर सकता है। द नेटवर्क कनेक्टिंग नादरा ऑफिस इन डिफरेंट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में नादरा ऑफिसेज मौजूद हैं और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं WAN नेटवर्क के थ्रू। इंटरनेट कनेक्ट द मिलियन ऑफ यूज़र ओवर ऑल द वर्ल्ड टू शेयर द इंफॉर्मेशन, और इंटरनेट में जो मिलियन ऑफ यूज़र्स हैं आपस में कनेक्ट होते हैं WAN के थ्रू और इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल थी WAN नेटवर्क की। नेक्स्ट वन इज़ MAN, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। A metropolitan area network is a communication network that covers an area of city. Metropolitan area network ये ऐसा communication network है जो कि cover करता है cities को। MAN is larger than WAN. MAN is larger than LAN but smaller than WAN. WAN जो होता है ये लार्जर और LAN से। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू आर मोर LAN इन अ सिटी आर टाउन। ये नॉर्मली यूज़ होते हैं दो या दो से ज़्यादा LAN को कनेक्ट करते हैं सिटी के अंदर या टाउन के अंदर। अ MAN ऑफन एक्ट एज हाई स्पीड नेटवर्क, MAN जो है वो हाई स्पीड नेटवर्क के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। मोबाइल फ़ोन सिस्टम ऑफन यूज MAN, मोबाइल फ़ोन सिस्टम जो है वो MAN जो नेटवर्क है इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल द नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अ कंपनी इन सेम सिटी, एक सिटी में एक कंपनी है जिसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं और वो आपस में कनेक्टेड होती हैं WAN नेटवर्क के थ्रू। द नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट कैंपसेज ऑफ कॉलेज इन अ सिटी, एक ही सिटी के अंदर कैंपसेज हैं एक ही कॉलेज में। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज है, तो उसके अब सिटी हमारे पास सपोज रावलपिंडी है, तो रावलपिंडी में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जितने भी कैंपसेस हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड होंगे WAN नेटवर्क के थ्रू। केबल टीवी नेटवर्क इन अ सिटी, केबल टीवी नेटवर्क जो होता है सिटी के अंदर वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।